नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संवाद एजुटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकआउट यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 की। सेकआउट यूनिवर्सिटी का जो पीजी का टाइम टेबल है वो कब तक जारी होगा, और जो यूजी और पीजी के एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है, टाइम टेबल में चेंजेज हुआ है ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आप। BSc और इनके BCom और BA के टाइम टेबल में थोड़ा चेंजेज हुआ है, और यूजी के जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के छात्रों को क्या प्रमोट होंगे, पीजी के फर्स्ट ईयर के छात्रों को भी प्रमोट हो सकते हैं, और एडमिशन की जो लास्ट डेट है इनकी फीस की लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी अपडेट यह है, सीकर से आ रही है, साइंस कॉलेजों सबलपुरा में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की, यानी कि जो स्नातक जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, और जो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के जो पूर्वाधन के फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं स्नातक के जो प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, द्वितीय वर्ष के हो, और जो पीजी के यानी कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट और सेकंड और एमए एमएससी एमकॉम जो फर्स्ट ईयर के छात्र आते हैं उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, यानी कि जो साइंस कॉलेज सबलपुरा के अंदर है इन्होंने प्रमोट कर दिया है। तो इसी प्रकार जो सीकाउट के जितने भी यूनिवर्सिटी यानी कॉलेजेज हैं सभी धीरे धीरे सभी स्टूडेंटों को प्रमोट करने वाली है। ये विद्यार्थी 31 जुलाई तक फीस जमा करा सकेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, इसके लिए आप फीस जमा करा सकेंगे ऑनलाइन। ये प्रवेश अस्थायी रूप से होंगे, जो भी प्रवेश होंगे नेक्स्ट कक्षा में ये अस्थायी रूप से आपको प्रवेश दिए जाएंगे और आपको फीस भी जमा करानी होगी। जो प्रमोट विद्यार्थियों में पूर्व छात्र आते हैं और जो सोमपाठी परीक्षार्थी शामिल नहीं है, यहाँ इसके अंदर पहले वाले छात्र पूर्व छात्र और सोमपाठी विद्यार्थी इसके अंदर शामिल नहीं है। प्रमोट विद्यार्थियों के नाम ई मित्र पर भिजवाए जा चुके हैं, जो भी प्रमोट हुए हैं सभी के नाम ई मित्र पर जा चुके हैं, तो वहां से आवेदन से आप जुड़े दस्तावेज और प्रवेश शुल्क की रसीद आदि ई मित्र से जमा करानी होगी। जो जिसका भी नाम आया यानी कि जिन्होंने प्रमोट किया है कॉलेजेज ने उन सभी का नाम ई मित्र पे भिजवा दिया गया है। तो यदि आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लासेज में आपको नहीं बैठना दिया जाएगा। और इस बार जो फर्स्ट ईयर के छात्र है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लीजिए, ताकि क्योंकि इस बार ज़्यादा स्टूडेंट है सीट भी बहुत कम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी ही एडमिशन आप फर्स्ट ईयर के अंदर करवा सकते हैं, क्योंकि इस बार 12वीं के जितने भी स्टूडेंट RBSC के सभी स्टूडेंट पास हुए हैं, तो कॉलेजों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, इसलिए आप एडमिशन बहुत जल्द करवाइए, कॉलेज से संपर्क करके आप एडमिशन करवाइए कि कब तक एडमिशन की डेट है, कब से स्टार्ट है, जो भी है कॉलेज से संपर्क करके करवाना होगा आपको। और अब बात करेंगे जो पीजी का टाइम टेबल, पीजी का टाइम टेबल 28 या 29 जुलाई को जारी होगा, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी जारी होंगे 29 या 28 तारीख को ही यूजी के। 5 तारीख से यूजी के एग्जाम है और 6 तारीख से पीजी की एग्जाम है। इसका टाइम टेबल पहले ही आ चुका है, ये आपको मैं अलग से वीडियो बना दिया था, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है फिर से बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। धन्यवाद।